नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिएंट्स से बनी हुई है। आपने अपनी दादी नानी सबसे सुना होगा और रिसेंटली ऐसा ट्रेंड है कि हमें अपनी बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो दादी नानी से आपने सुना होगा कि बच्चों की डाइट में, बड़ों की डाइट में, सबकी डाइट में ऑलमंड जो है वो ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो ऑलमंड में कुछ ऐसे न्यूट्रिटिव चीज़ें होती हैं जो आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऑलमंड को आप ऐसे रॉ नहीं यूज कर सकते। या तो आप उसे सोक करके यूज करिए या तो आप उसे हल्का सा रोस्ट करके यूज करिए, क्योंकि अगर आप उसे रॉ फॉर्म में यूज करते हैं तो आपकी बॉडी उसके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसलिए आप उसे रॉ फॉर्म में नहीं यूज करिए। सोक करना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हम डेली कभी कभी सोक नहीं कर पाते हैं, तो आप एक हेल्दी मीडियम से आप उसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मैं आपको आज ऑलमंड बटर की रेसिपी बता रही हूँ जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती है, और मैं इसमें आपको पूरी चीज़ें बताऊँगी कि ये जो ऑलमंड है आप इसे लो कार्ब फूड में भी खा सकते हैं, बच्चों की डाइट में भी दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ऑलमंड बटर बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होती है। हमने केवल ये एक कप के अराउंड में कच्चा जो है बादाम लिया हुआ है, और इस बादाम को हमें एक पैन में बहुत ही स्लो फ्लेम पे धीमे धीमे रोस्ट करना है। और ये ध्यान रखना है कि हमें जो अपना फ्लेम है वो हाई नहीं करना है, क्योंकि इसे हमें अंदर तक पकाना है, वरना इसकी बाहर की जो सरफेस है वो केवल पक जाती है और अंदर तक ये कच्चा रह जाता है। तो हमें इसे बहुत लो फ्लेम पे धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से इसे हमें रोस्ट करना है। रोस्ट हो जाने के बाद ये हमारे जो ऑलमंड है वो थोड़े से क्रैक हो जाएंगे, इसका मतलब कि वो पक गया है। और इसे हमें थोड़ी देर के लिए एक दूसरे प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। थोड़ा ये ठंडा हो जाए तभी हम इसे मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। ये हमारा जो ऑलमंड है ये देखिए काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया और ये कुछ इस तरह का दिखने लगा है। इसे हम मिक्सी में ही केवल आपको सिखाएंगे कि कैसे होता है। इसके लिए हाई क्वालिटी का फूड प्रोसेसर की ज़रूरत होती है, लेकिन आप इसे मिक्सी में आराम से अच्छे से बना सकते हैं। जब हम इसे मिक्सी में ब्लेंड करेंगे तो ये धीरे धीरे पाउडर फॉर्म में होने लगेगा और ये आपको किस इस तरह दिखाई देने लगेगा कि ये पाउडर जैसा आपको दिखना लगेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको कोई अलग से ऑयल नहीं मिलाना है, और इसमें आपको मैजिक की तरह दिखाई देगा कि कैसे ये खुद ब खुद अपना ऑयल जो है रिलीज करने लगा है और ये धीरे धीरे काफ़ी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। आप इसलिए मैंने वीडियो को पूरा स्किप नहीं किया है कि आप इसे देख सकें कि इसमें मैंने कुछ भी अलग से ऑयल जो है वो नहीं मिलाया है। और ये देखिए अब काफ़ी अच्छी मात्रा में अपना जो ऑयल है वो रिलीज करने लगा है। इसे हम धीरे धीरे बीच बीच में चलाते हुए ब्लेंड करते रहेंगे। अगर आप चॉकलेट फॉर्म का बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप कोकोआ पाउडर भी मिला सकते हैं, और बच्चों के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो इसमें आप जब ये ऑयल थोड़ा रिलीज करने लगता है तो उसी स्टेज पे आप इसमें चीनी मिला सकते हैं। चीनी मिलाने से थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे लो कार्ब्स या किसी डाइट में यूज कर रहे हैं तो आप इसे विदाउट शुगर भी यूज कर सकते हैं। ये विदाउट शुगर भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमारा जो है ऑलमंड बटर वो ऑयल रिलीज करने लगा है, लेकिन इसे हमें और धीरे धीरे ब्लेंड करना है। जब हम इसे बीच बीच में चला के ब्लेंड करते रहते हैं तो ये एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ही स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर का हो जाता है, और हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि ये वही हमारा ऑलमंड है। और ये देखिए इसे कितना बढ़िया है, स्मूथ टेक्सचर का, ये क्रीमी टेक्सचर का बन गया है। आप इसे किसी भी चीज़ पे लगा के खा सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही हेल्दी रेसिपी के लिए और कुछ हेल्दी टिप्स के लिए मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए फिट रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।